आज हम पालक की सब्जी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने दो बड़े बड़े आलू ले लिए हैं, एक टमाटर ले लिया है, लहसुन अदरक और मिर्चे ले लिए हैं, और एक प्याज लिया है मैंने, और थोड़ी सी मटर ले ली है मैंने। और यहाँ पे मेरे पास पालक है, पालक कम से कम 250 ग्राम है, और हम चलते हैं इस सभी को चॉप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को चॉप कर लिया, प्याज को चॉप कर लिया, आलू को चॉप कर लिया है, और अदरक लहसुन और मिर्च है, जिसको आप एक उसको कूट करके ही रख बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि कूटने का जो टेस्ट होता है वो सबसे बढ़िया होता है। आपके घर में भी खल बट्टे होंगे ऐसे, इसमें कूट लेंगे सबसे अच्छा, इसमें कूट लीजिए और आपको टेस्ट भी बढ़ाएगा। यहाँ पर मैंने पालक को भी चॉप कर लिया है। अब चलिए कढ़ाई रखते हैं और सभी चीज़ों को बनाते हैं। यहाँ पे हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल दिए, और इसी के साथ थोड़ा सा पचफोरन भी डाल देंगे तो ज़्यादा टेस्ट होता है, अच्छा होता है, पचफोरन सेहत के लिए भी अच्छी होती है, तो थोड़ा सा पचफोरन डालेंगे। ये सारे चटक जाएंगे, फिर उसके बाद आप इसमें प्याज जो काटे हैं उसको डाल देंगे। प्याज को थोड़ी देर भून लेंगे, प्याज को अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का रेड हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, लहसुन अदरक और जो मिर्चे का आप कूट करके बनाया है उसको तब डालेंगे। यहाँ पे प्याज जो है वो हल्की भून गई है, इसी में हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन जो हम कूट के रखे हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। इसको बना के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से, जिस तरीके से बनाएंगे उस तरीके से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लहसुन मिर्चा और अदरक प्याज सब अच्छे से भून गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आलू डाल देंगे, यहाँ पे अच्छे सारे आलू को डाल देंगे। अब यहाँ पे आलू के साथ मटर भी डाल देंगे और मटर को भी डाल के अच्छे से भून देंगे। यहाँ पे हम सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे। अब आप जिस तरीके से सब्जी बना रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में है उस तरीके से आप हल्दी डाल सकते हैं। फिर धनिया पाउडर, मैंने धनिया पाउडर भी एक चम्मच डाल दिया है, और अशोक मसाला है मेरे पास बाहर का, वो थोड़ा सा डाल देंगे, और घर का मैंने गरम मसाला बनाया है उसको हाफ चम्मच डाल देंगे। फिर उसके बाद आप नमक डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार, नमक भी हम स्वाद अनुसार, हम लोग हल्का नमक खाते हैं इसलिए हल्का डाल दें। और ये मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, जो कि आपके लिए सेहत के लिए फ़ायदा करता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी फ़ायदा करता है, जिससे ब्लड प्रेशर आपके बढ़ते नहीं हैं। तो ये है आपका पिंक सॉल्ट। इन सभी को डालने के बाद हम इस सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, एक दो मिनट हम इसे ढक करके पकाएंगे। यहाँ पे देखिए, एक दो मिनट ढक के पकाया है मैंने और ये अच्छा पक गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पालक डाल देंगे, जो पालक हल्का हल्का पानी छोड़ेगा जिससे और अच्छे से सब्जी पक जाएगी। यहाँ पे हम सभी पालक को डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम दो तीन मिनट के लिए इसको ढक देंगे। जब तक ये अच्छे से पक ना जाए इसको ढक ढक के हम पकाएंगे, पानी छोड़ देगा उसके बाद इसको ढक ढक के हम पकाएंगे बढ़िया से। यहाँ पे देखिए पालक अच्छे से गल गई है, और हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से चला करके मैश कर देंगे। जब आलू थोड़ा सा हल्का मैश हो जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जब मैश हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें टमाटर को डाल देंगे। अब यहाँ पे मैश हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के इसको हम क्या करेंगे, ढक देंगे, और टमाटर गल जाएगा तब इसको अच्छे से हम पका लेंगे, गलने तक अच्छे से पकाना है इसको। यहाँ पे देखिए मैंने ढक के सब्जी को पकाया है, जिससे टमाटर एकदम गल गया है और सब्जी सूखी भी हो चुकी है, जो कि हमारी सब्जी पूरी तरीके से बन चुकी है। अब स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा धनिया आप चॉप करके डाल दीजिए और इसको थोड़ा सा चला के ढक दीजिए। इस तरह आप पालक की सब्जी बना के खाइए, जो स्वाद में भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छी है, और इसको ट्राई ज़रूर करिए और मेरे को कमेंट बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर भी करते रहिए। इसी के साथ आपको गुड बाय।